प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के छठवें स्कंद के आठवें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन हुवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ अष्टमो अध्याय। शीर्षक नारायण कवच का उपदेश। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझसे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उसे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया, तुम एकाग्र चित्र से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा कि देवराज इंद्र भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह में बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास और अनुष्ठ आदि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणा इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि आठ अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के गकार से लेकर ओमकार पर्यंत आठ अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं आठ अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र के ओम आदि बारह अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथ की आठ उंगलियों को और दोनों अंगूठों को दो दो गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मा रंध्र में और श का भावों के बीच में, ड का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर के सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम नमः अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को तदरूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपह स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अरिमा आदि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। आठ हाथों में शंकर, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं और रूढ़ के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्माचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश मेरी रक्षा करें, जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी हैं। गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए हैं। वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों पर मेरी रक्षा करें। अपनी डाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति बराह भगवान मार्ग में परशुराम पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर्व गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय के योग विघ्नों से और त्रिगुणा अधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करके अपराध से, देवर्षि नारद सेवोपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक पवाद से, बलराम जी
मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गढ़ों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धि देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि कालिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्ति धारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वस लांछन श्रीहरि, उषाकाल में खड़गदारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय में पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र की ही तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारे शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमुदों की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजीत की प्रिया और मैं उनका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड विनायक, यक्ष राक्षस, भूत प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए। मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यात उधान प्रमथ प्रेत मात्र का पिचास और ब्रह्मा राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए, उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूम केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों में हमें जो जो भय हो, जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथंतर आदि सामवेदी स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिया मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। यह सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्ध पथियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देखता है या पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा डाकू प्रेत पिशाच आदि बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपने शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकल गए। वहां आते ही वह नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा ना रही।
जब उन्हें बाल अखिली मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर स्नान करके अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक की लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी, हर हर महादेव।